नमस्कार, हमारे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम इस वीडियो में एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों सिलवासा में काफी चर्चित है। आपको बता दूं कि 26 जून के रोज सिलवासा कामत ग्राउंड पर हुए भाजपा पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक वीडियो वायरल हो रहा था कि इस कार्यक्रम के पिछले कुछ सीटें खाली थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल देखा जा रहा था। और इसी विषय में हम विस्तृत से जानकारी लेने के लिए इस समय सिलवासा भाजपा पार्टी के युवा नेता और मंडल अध्यक्ष सुनील भाई महाजन के पास मौजूद है, जो हमेशा सिलवासा में सामाजिक कार्य के लिए अग्रणी रहते हैं और सिलवासा मराठी समाज के एक लोक लाडिले नेता के रूप में जाने जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है सुनील भाई महाजन के साथ और हम इस विषय में उनसे ही जानना चाहेंगे कि वे इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। सुनील भाई महाजन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दो दिनों पहले सिलवासा के कामत ग्राउंड पर जो भाजपा पार्टी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और सोशल मीडिया पर कई सारे तस्वीरें वीडियोस वायरल हो रही थी कि कार्यक्रम के पीछे वाली जो सीटें हैं, जो कुर्सियां हैं, वो सभी खाली है, जिस पर विपक्ष के लोगों ने कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाना भी शुरू कर दिए थे और एक भाजपा पार्टी को एक कमजोर छवि की तरह से दिखाने की उन्होंने काम सोशल मीडिया पर करना शुरू कर दिया था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए गोकुल भाई, ऑलरेडी यहाँ पर जो विपक्ष पार्टी है, यानी भाजपा की विरोधी जो पार्टी है और उनके जो कार्यकर्ता है, उनकी भोकलाट है कि कुछ प्रोग्राम शुरू होने से पहले की तस्वीरें लेके, आप ध्यान से देखिएगा, प्रोग्राम शुरू होने से पहले तस्वीर लेके उसको सोशल मीडिया के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी कमजोर से दिखाने का एक प्रयास कर रही है, बल्कि उसके उल्टा है। वहां पर हजारों की संख्या में, कम से कम 7-8 हजार की संख्या में भारी मात्रा में पब्लिक वहां पर लोग आए थे और बिना पैसे दिए वहां पर लोग आए हुए थे। तो ये जो है उनके कार्यकर्ताओं की बौखलाहट है, उनके नेताओं के द्वारा उनको समझा के ये करा के वो सोशल मीडिया में भाजपा को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार जो काम कर रही है, चाहे देश में हो चाहे अपने प्रदेश में हो, प्रदेश में इतने अव्वल काम हो रहे हैं कि जनता का पूरा साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। मंडल अध्यक्ष होने के नाते हम भी हमारे बूथ पे वो मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे हर एक बूथ पर हमारा हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए निस्वार्थ कार्य कर रहा है और 2024 में हम आपको 100% कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुमत से आएगी और भारी संख्या से बहुमत से आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सांसद चुन के आए हैं, उन्होंने आए तब से कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया जा रहा है और लोगों में उसकी काफी नाराजगी है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ 2024 में पक्की आएगी। फिर से मैं इस कार्यक्रम के विषय पर आना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर ये बातें बहुत सारी वायरल हो रही है कि भाजपा पार्टी द्वारा कार्यक्रम में सभी लोगों को पैसे का लालच देकर या फिर किसी चीजों का लालच देकर उन्हें बुलाया जाता है। कितनी सच्चाई है इस बातों में और क्या आप इस बारे में सोचते हो? देखो, जब आदमी के पास कोई पर्याय नहीं रहता है, जब सामने वाले हमारे जो विरोधी पार्टी उनके पास कोई पर्याय नहीं है, तो झूठ का सहारा लेता जाता है और वो ये समझती कि एक झूठ जब 10 बार झूठ बोला जाता है तो लोगों में सच लगता है। लेकिन हमारे प्रदेश के नागरिक जागरूक नागरिक है, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा ना किसी को कभी पैसा दिया जाता है, ना रैली में पैसा देने के लिए पैसा बांटा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक निस्वार्थ कार्यकर्ता है, देशप्रेमी कार्यकर्ता है, राष्ट्रप्रेमी कार्यकर्ता है, प्रदेश में काम करने और प्रदेश में प्रेम करने वाले कार्यकर्ता है। और रही आप जो बात कर रहे हैं कि सीटें खाली, तो वो सब जो वीडियो थे वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ वीडियो लिए गए थे और हो सकता है 5-25 कोई चेयर अगर हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जो भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लिया है, तो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। और यहाँ भी दिखाना चाहता हूँ कि हमें एक कुर्सी, अगर आप ध्यान से दिखा सकते हैं, नजदीक से देख लीजिए, अगर ये कुछ तस्वीरें हैं तो क्या आपको यहाँ पर कोई चेयर खाली नजर आ रही है? या आपको चाहे तो आपको भी मैं आपको शेयर करूंगा ये सब तस्वीरें। तो ये सब जो है ये बौखलाहट है उनकी की इतनी अचानक, जो मीटिंग सिर्फ 15 दिन पहले तय की गई, 15 दिन पहले तय की मीटिंग में हजारों की संख्या में पूरे दादरा नगर हवेली से, सिर्फ दादरा नगर हवेली से, दमन दीव से नहीं, सिर्फ दादरा नगर हवेली से इतनी बड़ी प्रजा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जो मिला, उसको देखकर ये विरोधी पार्टी की बौखलाहट है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का विकास दादरा नगर में चौतरफा दिख रहा है। ऐसा एक कॉलेज नहीं रहा यहाँ पर कि यहाँ पर किसी विद्यार्थी को, डीएनएस के विद्यार्थी को बाहर जाना पड़े। लॉ कॉलेज हो या अब्दुल कलाम कॉलेज जैसा हो या फिर नमो मेडिकल कॉलेज जैसा हो,
आईटीआई हो, पहले ये सिलवासा में आईटीआई था, खानवेल में भी आईटीआई है, हर तरफ इतने फैशन कॉलेज तक है, जो विद्यार्थी जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा उसके लिए पूरी सुविधा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई है। और इतना ही नहीं, आप पिछले दो चार साल का नगर पालिका भी, खाली नगर पालिका बात करें तो नगर पालिका जैसे स्मार्ट सिटी बनी है तब से यहाँ पर भी विकास कार्यों की गंगा बही है। कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है जैसे कि रोड की समस्या है, तो विरोधी पार्टी हमेशा रोड की समस्या को लेकर ही हमेशा बोलती रहती है और वो कुछ हद तक हम उचित समझते हैं, लेकिन उसके पीछे का कुछ रीजंस है, जैसे कि अंडरग्राउंड जो वर्क बाकी होते हैं रास्ता बनने के बाद वापस उसको खोदा नहीं जा सकता है, तो जैसे ही रास्ते पूरा काम, अंडरग्राउंड का पूरा सीवरेज का काम है, अंडरग्राउंड लाइन का काम है, अंडरग्राउंड पानी का काम है, ये सब काम है, जिस दिन पूरी हो जाएंगी ये रास्ते, मैं कहता हूँ इस तरीके से बन जाएगी कि सिलवासा अपनी इंडिया की शंघाई कहलाएगी, इतना सुंदर और बेस्ट सिलवासा अपना बन जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये सारी कार्य होने के बाद हमारा सिलवासा जो है भारत का एक शंघाई शहर की तरह नाम से जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।